de हेलो स्टूडेंट जय स्वामी नारायण। टुडे वी स्टार्ट विथ योर चैप्टर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड वैल्यू मैनेजमेंट यूनिट नंबर 6 प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट डील्स विथ कंट्रोलिंग कॉस्ट ऑफ द रिसोर्सेज नीडेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। दैट मीन्स जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है उसका कॉस्ट हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसका यूज कैसे कर सकते हैं। उसके रिलेटेड ये चैप्टर है। प्रोजेक्ट कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है? जो भी हम रिसोर्सेस यूज करते हैं उसके कॉस्ट पे डिपेंड करता है। ए प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एक्टिविटीज। कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें नंबर ऑफ एक्टिविटीज होती है। ईच ऑफ दिस एक्टिविटीज कंज्यूम रिसोर्सेज। दैट मीन्स कोई सभी एक्टिविटीज में रिसोर्सेज की जरूरत होती है। ईच ऑफ दिस एक्टिविटीज कंज्यूम द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कॉस्ट मनी। मैक्सिमम इकोनॉमी इन द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज अचीव। रिसोर्सेज कॉस्ट मनी। मैक्सिमम इकोनॉमी इन द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज अचीव बाय प्लानिंग एंड सुपरवाइजिंग द वर्क प्रॉपरली। दैट मीन्स जो भी हमारे पास रिसोर्सेज का कॉस्ट है, वो रिसोर्सेज कॉस्ट मनी। मैक्सिमम इकोनॉमी इन द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज अचीव। दैट मीन्स मैक्सिमम इकोनॉमी कब हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में ले सकते हैं? बाय प्लानिंग एंड सुपरवाइजिंग द वर्क प्रॉपरली। दैट मीन्स उसका प्लानिंग और जो भी हमने प्लान किया है उसके बेस पे जो भी वर्क है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका सुपरविजन करना, उससे हमें मैक्सिमम इकोनॉमी मिलती है इन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। देन दैट मीन्स उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है? तो जो भी प्लानिंग किया है और फिर प्लानिंग के बाद जो भी वर्क हो रहा है उस पे सुपरविजन करना, उस पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डिपेंड करता है। देन देयरफॉर द मेन एम ऑफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियर शुड बी टू अचीव द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपेंडिचर ऑफ द लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी। Therefore, the main aim of the construction engineer को क्या करना चाहिए? To achieve maximum benefits, जो भी maximum benefits है वो लेना चाहिए from the expenditure of the limited amount of money. तो maximum उसमें से benefit लेना चाहिए, उसका proper use करना चाहिए। जो भी हमारे पास limited amount of money है, उसमें से हमें जो भी वर्क करना है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर को क्या ध्यान में रखना चाहिए कि फॉर एग्जांपल आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है तो हम कौन सा मटेरियल अच्छे से यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम उसका यूज कर सकते हैं, क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज सब उसको देखना चाहिए। तो देयरफॉर द मेन एम ऑफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियर शुड बी टू अचीव द मैक्सिमम बेनिफिट। मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहिए फ्रॉम द एक्सपेंडिचर ऑफ द लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी। स्पेशल केयर शुड बी टेकन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन टू कीप द कॉस्ट विद इन द एस्टिमेटेड अमाउंट। जो भी एस्टिमेटेड अमाउंट है उसके अंदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रहना चाहिए। दैट मीन्स जो भी कॉस्ट हमने डिसाइड किया है उसके अंदर वो कॉस्ट रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी उसकी लिमिटेशन है कि भाई चलो ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट इतना ही होना चाहिए तो वो उतना ही होना चाहिए, उससे कम होगा तो चलेगा बट उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट में फोर मेन स्टेप्स प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट आर रिसोर्स प्लानिंग, शेड्यूल कॉस्ट प्लानिंग, कॉस्ट बजटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल। तो रिसोर्स प्लानिंग शेड्यूल में क्या आएगा? द फोर बेसिक रिसोर्सेस रिक्वायर्ड इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आर। कोई भी कितने बेसिक रिसोर्सेस है? तो मटेरियल, मैन, मनी एंड मशीन, इतने रिसोर्सेस की जरूरत होती है। तो रिसोर्सेस शेड्यूल सच एज मटेरियल शेड्यूल, लेबर शेड्यूल, स्टाफ शेड्यूल, इक्विपमेंट एंड प्लांट शेड्यूल, सब कॉन्ट्रैक्टर और स्पेशलिस्ट शेड्यूल आर प्रिपेयर्ड। रिसोर्सेज शेड्यूल के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो मटेरियल का शेड्यूल बनाना पड़ता है, लेबर का शेड्यूल बनाना पड़ता है। मटेरियल का लेबर दैट शेड्यूल, दैट मीन्स कहाँ पे किस टाइप का मटेरियल यूज करना है, हमें कितना मटेरियल यूज करना है,
लेबर शेड्यूल, दैट मीन्स कहाँ पे कितने लेबर किस टाइम पे क्या जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल एक एक्टिविटी है, फॉर एग्जाम्पल एक्सकेवेशन है, तो एक्सकेवेशन में इतने लेबर चाहिए, ओके, देन इतने इक्विपमेंट्स चाहिए, वो सब शेड्यूल के हिसाब से काम करना पड़ता है, तो ही जो कोई भी प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल होता है. ओके, स्टाफ शेड्यूल, इक्विपमेंट एंड प्लान शेड्यूल, सब कॉन्ट्रैक्टर और स्पेशलिस्ट शेड्यूल आर प्रिपेयर्ड. दिस शेड्यूल शो द क्वांटिटी रिक्वायरमेंट ऑफ ईच ऑफ दिस रिसोर्सेज आइदर ऑन ए वीकली बेसिस और मंथली बेसिस. द नेक्स्ट वन इज कॉस्ट प्लानिंग. नोइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज फ्रॉम द रिसोर्सेज शेड्यूल एंड देयर यूनिट कॉस्ट, द एस्टिमेट टू कम्प्लीट ईच ऑफ दिस कैन बी प्रिपेयर्ड. ओके, नोइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज फ्रॉम द रिसोर्सेज शेड्यूल, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसमें से हमें कौन से रिसोर्सेज चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज की, उसका कॉस्ट कितना है, द एस्टिमेट टू कम्प्लीट ईच ऑफ दिस एंड द एस्टिमेट टू कम्प्लीट ईच ऑफ दिस कैन बी प्रिपेयर्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द प्लानिंग. दैट मीन्स हमारे पास कॉस्ट प्लानिंग का मतलब क्या है कि ये एक्टिविटी के लिए इतना रिसोर्सेज चाहिए, ओके, और उसका कॉस्ट फाइंड करना. फॉर एग्जाम्पल एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग हमने सब्जेक्ट पढ़ा, तो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में अलग अलग जो भी एक्टिविटीज थी, तो फॉर एग्जाम्पल एक्सकेवेशन था, तो एक्सकेवेशन में अप टू 1.5 मीटर डेप्थ, देन अबव 1.5 to 3 मीटर डेप्थ जो भी है उसके लिए उसका एस्टिमेट हम अलग से निकालते थे. तो उसमें उसकी क्वांटिटी, देन उसका कॉस्ट कितना है वो, देन कितना लेबर चाहिए, तो लेबर के लिए हमने रेट एनालिसिस वगैरह हमने प्रिपेयर किया था कि फॉर एग्जांपल ये आइटम है तो इसका रेट इतना है, फ्रॉम रेट एनालिसिस शीट. ओके, उसमें लेबर कितने चाहिए, मटेरियल कितना चाहिए, उसका कॉस्ट कितना है, तो उसमें से हम रेट निकालते थे पर्टिकुलर आइटम का. ओके, और उसकी क्वांटिटी भी करते थे, और क्वांटिटी इंटू रेट करते थे, तो आपको जो भी पर्टिकुलर आइटम है उसका रेट मिलता था. ओके, तो इस तरह से हम कॉस्ट प्लानिंग कर सकते हैं. नोइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज फ्रॉम द रिसोर्सेज शेड्यूल एंड देयर यूनिट कॉस्ट, द एस्टिमेट टू कंप्लीट ईच ऑफ दिस कैन बी प्रिपेयर्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द प्लानिंग. कॉस्ट प्लानिंग में द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट प्लानिंग आर द प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड एस्टिमेट्स. एज द कॉन्सेप्चुअल स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट ए रफ एस्टिमेट बेस्ड ऑन द प्रीवियस प्रोजेक्ट ऑफ सिमिलर साइज एंड नेचर इज प्रिपेयर्ड. दैट मीन्स अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट और डिटेल एस्टिमेट हमने पढ़ा था. तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट दैट मीन्स जो भी पहले हमने काम किया है और जो भी प्रोजेक्ट्स हुआ है उसके, और अभी जो प्रोजेक्ट हमारे पास है सेम टू सेम है, बट पहले का जो भी प्रोजेक्ट वगैरह था, हमने जो भी प्रोजेक्ट किया था उसमें कॉस्ट कितना रखा था, उसके बेस पे हम न्यू जो भी अभी प्रोजेक्ट है उसका कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं. दैट इज कॉल्ड रफ एस्टिमेट. एंड दिस इज ग्रेजुअली रिफाइंड एंड फाइनली डिटेल एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड व्हेन द स्कोप गेट्स क्लियर एंड डिटेल डिजाइन इज रेडी. जब भी हमारे पास डिटेल डिजाइनिंग, टू टाइप्स ऑफ एस्टिमेट हम निकाल सकते हैं, तो रफ एस्टिमेट निकाल सकते हैं एंड दिस इज ग्रेजुअली रिफाइंड एंड फाइनली डिटेल एस्टिमेट, तो उसमें से अंदाजा लगा सकते हैं कि, तो रफ एस्टिमेट पे से हम फॉर एग्जांपल रफ एस्टिमेट निकाल सकते हैं और काम स्टार्ट करा सकते हैं, बट जब भी डिटेल डिजाइनिंग वगैरह रेडी हो जाए तो उसका डिटेल एस्टिमेट भी हम कर सकते हैं. कॉस्ट प्लानिंग एम्स एट एसर्टेनिंग कॉस्ट बिफोर मैनी ऑफ द डिसीजंस आर मेड रिलेटेड टू द डिजाइन ऑफ ए फैसिलिटी. कॉस्ट प्लानिंग एम्स एट एसर्टेनिंग कॉस्ट बिफोर मैनी ऑफ द डिसीजंस. कई बार क्या होता है कि जो भी हमारे पास डिजाइनिंग होती है, और कई बार हमें डिसीजन भी ऐसा लेना पड़ता है ऑन साइट, जब भी हमारा कंस्ट्रक्शन वो स्टार्ट होता है तो जो भी हमने जो भी डिसाइड किया था, ओके, वर्क करने का, उसकी जगह पे थोड़ा चेंजेस करना पड़ता है, तो उसकी और डिजाइनिंग में डिजाइन जो भी है उसके भी थोड़ा चेंज करना पड़ता है, तो उसकी वजह से कॉस्ट प्लानिंग में कॉस्ट जो जो भी हमने डिसाइड किया था उसमें थोड़ा डिफरेंस आ सकता है. इट आइडेंटिफाइज द वेरियस कोर्सेस ऑफ एक्शन एंड प्रोवाइड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पिक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट. द प्लानर एंड द एस्टिमेटर शुड बी कंटिन्यूसली एग्जामिंग द कॉस्ट एस्पेक्ट्स थ्रू आउट द डिजाइन प्रोजेक्ट, क्वेश्चनिंग वेदर इट इज गिविंग द वैल्यू फॉर मनी और वेदर दैर इज एनी बेटर वे ऑफ परफॉर्मिंग.
the particular function. The planner and the estimator should be continuously examined. The planner or estimator है जो भी वो continuously examine करता है the cost aspects throughout the design process. तो cost कितनी रहेगी? तो वो cost aspect को देखता continuously examine करता रहता है during the design process, questioning whether it is giving the value for money. Okay, or whether there is any better way of performing the particular function. Okay, then next, cost budgeting. The cost budgeting is the process of allocating the overall cost estimate to individual work items of the project. जो भी individual work और individual activities है, okay, उसके तो उसको हम ओवरऑल कॉस्ट जो भी है वो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स के लिए हम जो एलोकेट करते हैं दैट इज कॉल्ड कॉस्ट बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द ओवरऑल कॉस्ट एस्टिमेट टू इंडिविजुअल वर्क आइटम्स ऑफ द प्रोजेक्ट द वर्क आइटम्स आर ग्रुप ऑफ द सिमिलर एक्टिविटीज टेक काउंट फ्रॉम द बिल ऑफ द क्वान्टिटीज फॉर एग्जाम्पल कॉन्क्रीटिंग ए डिफरेंट ग्रेड्स M20, M25 degree given in bill of quantities can be grouped under one common head concrete. Similarly, excavation up to 1.5 meter, excavation from 1.5 to 3 meter, excavation from 3 to 4.5 meter depth can be grouped under one common head excavation work. Okay, that means cost budgeting. That means कोई particular activity है. For example, excavation है तो उसको उसके लिए एक बजट डिसाइड किया होता है कॉस्ट डिसाइड किया होता है कि इसमें इसमें इतना ही यूज होना चाहिए एक्सकेवेशन के लिए इतना ही है देन दूसरा कोई आइटम है फॉर एग्जांपल ब्रिक मशीनरी वर्क है तो ब्रिक मशीनरी में इतना ही दैट मीन्स जो भी डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स है ओके तो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स में वो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स के लिए जो कॉस्ट एलोकेट करते हैं दैट इज कॉल्ड कॉस्ट बजट Then cost control. The aim of cost control is to ensure that the final cost of the project does not exceed the plan cost. तो cost control का मतलब क्या है कि हमें इस तरह से cost जो भी हमारा project है उसमें जो भी हमने decide किया है plan cost जो भी है उसके हिसाब से अंदर cost होना चाहिए final cost प्रोजेक्ट का उस तरह से होना चाहिए ऐसा नहीं कि भाई चलो हमने डिसाइड किया है और थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट हो गया तो वो इसमें पॉसिबल नहीं है ओके तो कॉस्ट कंट्रोल करना चाहिए द स्टेप्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल आर ऑब्जर्व द कॉस्ट एक्सपेंडेड फॉर एन आइटम और एन एक्टिविटी दैट मीन्स आपको कॉस्ट एक्सपांड हो रहा है कि नहीं हो रहा है फॉर एन आइटम और एन एक्टिविटी के लिए कॉस्ट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है कॉस्ट पर्टिकुलर आइटम के लिए कितना हो रहा है एक्टिविटी के लिए कितना हो रहा है वो सब देखना पड़ता है तो ही आप कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो कंपेयर इट विथ अवेलेबल स्टैंडर्ड्स दैट मीन्स जो भी टेंडर एस्टिमेट है टेंडर का जो भी एस्टिमेट है उसके साथ हमें कंपेयर करना चाहिए कि जो भी हमने जो डिसाइड किया था उसके हिसाब से ये कॉस्ट है कि नहीं है कंप्यूट द वेरियंस बिटवीन द ऑब्जर्व कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट इफ द वेरियंस इज लार्ज टाइमली करेक्टिव मेजर शुड बी टेकन तो कितना वेरिएशन है वो देखना चाहिए बिटवीन द ऑब्जर्व कॉस्ट एंड द स्टैंडर्ड कॉस्ट इफ द वेरियंस इज लार्ज टाइमली करेक्टिव मेजर शुड बी टेकन कलेक्शन ऑफ द कॉस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन द कॉस्ट ऑफ एन आइटम और एन एक्टिविटी इज कलेक्टेड अंडर द फॉलोइंग हेड्स ओके The cost of an item or an activity is collected under the following head. That means cost overall किस पे depend करता है? That is particular item का cost किस पे depend करता है? जो भी हम labors use करते हैं, material use करते हैं, वो सब पे depend करता है. Machine use करते हैं. तो first one is labor cost. In a project there can be two types of labors. One departmental labor that is directly employed by the main contractor. And subcontractor labor employed by the subcontractor. Okay. For these two categories of the labor costing process are different.
For departmental labor or subcontractor labor, two accounts are maintained and daily labor attendance is maintained with relevant cost code. Cost code is the cost code assigned to an activity for which a particular cost is incurred. While preparing the labor attendance sheet, it is good practice to check the cost codes against each such worker. If the worker is used for two works having different cost code, for example, कोई worker है तो two works कर रहा है और उसका cost code different है, it is advisable to keep the worker's expense under only one cost code. तो for example, two work के लिए जो भी दो work कर रहा है, जो भी labor है और worker है, वो दो एक्टिविटी में काम कर रहा है और उसका दोनों का कॉस्ट कोड डिफरेंट है, तो आपको एक ही कॉस्ट कोड को फॉलो करना है फॉर दैट पर्टिकुलर डे. एवरेज मेन डे रेट इज वर्क आउट फ्रॉम द टोटल ग्रॉस वेजेस डिवाइडेड बाय द टोटल बाय द टोटल मेन डे वर्क इन दैट पर्टिकुलर मंथ. टोटल ग्रॉस वेजेस डिवाइडेड बाई द टोटल मेन डे वर्क इन दैट पर्टिकुलर मंथ. द लेबर कॉस्ट फॉर ईच कॉस्ट कोड इज डिटरमाइंड बाई मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ द डेज इन ईच कॉस्ट कोड विथ एवरेज मेन डे रेट फॉर दैट मंथ. देन नेक्स्ट वन इज मटेरियल कॉस्ट. द लेबर कॉस्ट फॉर ईच कॉस्ट कोड इज डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ द डेज इन ईच कॉस्ट कोड, दैट मीन्स नंबर ऑफ डेज, ओके, विथ द एवरेज मैन डे रेट फॉर, दैट मीन्स जो भी रेट है उसका और कितने दिन उसने काम किया है और उसका रेट कितना है, ओके, पर्टिकुलर मंथ के लिए, वो सब करके हम लेबर कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं. देन नेक्स्ट वन इज मटेरियल कॉस्ट. द मटेरियल्स यूज एट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट साइड आर बेसिकली ऑफ द टू टाइप्स, मटेरियल सप्लाइड बाई क्लाइंट. ऑन परचेस मटेरियल, दैट मीन्स कई बार क्या होता है क्लाइंट के द्वारा मटेरियल परचेस करके दिया जाता है, उस पर मटेरियल कॉस्ट डिपेंड करता है. कई बार क्या होता है कॉन्ट्रैक्टर को खुद मटेरियल परचेस करना पड़ता है, तो पर्टिकुलर आइटम का रेट उसके हिसाब से चेंज होता है. मटेरियल सप्लाइड बाय द क्लाइंट, द क्लाइंट में इश्यू मटेरियल्स ऑन द फ्री इश्यू बेसिस और ऑन चार्जेबल बेसिस, दैट मीन्स क्लाइंट में इश्यू द मटेरियल. फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट है, ओके, वो मटेरियल इश्यू करता है, तो वो कई बार क्या होता है फ्री इश्यू बेसिस और ऑन ए चार्जेबल बेसिस, दैट मीन्स कई बार क्या होता है क्लाइंट मटेरियल परचेस, क्लाइंट जो भी है मटेरियल परचेस करके देगा तो वो पर्टिकुलर आइटम का रेट थोड़ा कम लेगा, कम कर देगा, बिकॉज वो मटेरियल परचेस कर रहा है. इसलिए इफ द मटेरियल इज इश्यूड ऑन द फ्री इश्यू बेसिस, इट विल नॉट अफेक्ट द कॉस्ट स्टेटमेंट. इन केस ऑफ द इश्यू ऑन चार्जेबल बेसिस, द टोटल क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल कंज्यूम इन एलोकेटेड कॉस्ट कोड एंड प्राइसिंग इज डन एट एग्रीड रेट. ओके, इन केस ऑफ इश्यू ऑन चार्जेबल बेसिस, द टोटल क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल कंज्यूम्ड इज एलोकेटेड कॉस्ट कोड एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल कितना यूज किया है वो, एंड प्राइसिंग इज डन एट एग्रीड रेट. एग्रीड रेट मीन्स व्हाट, कि जो भी रेट होता है जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो और क्लाइंट जो भी परचेस करके देता है, तो जो रेट होना चाहिए उससे वो कम लेगा. ओके, नेसेसरी प्रोविजंस फॉर वेस्टेज एंड इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट लाइक हैंडलिंग चार्जेस, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज शेड्स एक्सेट्रा शुड बी मेड फॉर बोथ कैटेगरीज ऑफ द मटेरियल. ऑन परचेज मटेरियल, ऑन परचेज मटेरियल दैट मीन्स वेरियस टाइप्स ऑफ द मटेरियल दैट ए कंस्ट्रक्शन कंपनी परचेजेस आर बल्क मटेरियल, दैट इज सैंड, एग्रीगेट, हैवी टूल्स, स्केफोल्डिंग, स्मॉल टूल्स, टेम्पररी स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा. For costing purposes of the bulk material, the total quantity consumed including wastage needs to be allocated cost code and the price on the periodic weights average rate basis. Okay. For heavy tools, for costing purposes of the bulk material, the total quantity consumed including wastage need to be allocated cost code and price on the periodic weightage waged average rate basis.
For heavy tools, indent are prepared. Indent are prepared for heavy tools के लिए हम क्या करते हैं? Indents are prepared each month for write-off as suitable percentage of the cost to cover the wear and tear and allocated to relevant cost codes. Okay. Small tools are charged fully at the time of first issue for scaffolding. Indents are to be prepared for the rental at suitable rates and allocated relevant cost codes. Then that means for costing purposes of the bulk material, total quantity consumed, कितनी quantity consume होती है material की, including wastage, okay, needs to be allocated cost code, that means needs to be allocated cost code में वो देखना होता है कि भाई cost code जो भी है उसमें उसका गिनती कर किया जाता है, and price on the periodic rates, average rate basis. तो उसके रिलेटेड जो भी प्राइस है तो फॉर एग्जांपल जो भी वेस्टेज है उसको कैलकुलेट करके फिर उसका कॉस्ट डिसाइड किया जाता है. इसका कहने का मतलब ये है फॉर हैवी टूल्स इंटेंट्स इंटेंट्स आर प्रिपेयर्ड ईच मंथ फॉर राइट ऑफ एट ए सूटेबल परसेंटेज ऑफ कॉस्ट टू कवर वेयर एंड टेयर. एंड हैवी टूल्स के लिए क्या होता है? वेयर टीयर जो भी उसमें जो भी इक्विपमेंट है उसमें वेयर टीयर जो भी होता है उसका भी मेंटेनेंस कॉस्ट जो भी है उसका कॉस्ट का गिनती भी होता है. ओके. और उसके रिलेटेड फिर कॉस्ट कोड में से वो सब गिनती करके हम कॉस्ट निकालते हैं. स्मॉल टूल्स आर चार्ज फुली एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इश्यू. स्मॉल टूल्स है वो उसमें चार्ज हम टोटली लगाते हैं. फॉर स्केफोल्डिंग इंडेंट्स स्केफोल्डिंग के लिए इंडेंट्स आर टू बी प्रिपेयर फॉर द रेंटल्स एंड सुटेबल रेट्स एंड एलोकेटेड रिलेवेंट कॉस्ट कोड्स. ओके. देन प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट. द प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट इंक्लूड्स द हायर चार्जेस जो भी हम रेंट पे लेते हैं वो लेबर फ्यूल देन ऑयल लेबर्स फ्यूल ऑयल पार्ट्स रनिंग मेंटेनेंस कॉस्ट इरेक्शन कॉस्ट डिसमेंटलिंग कॉस्ट एक्सेट्रा. वो सब हम जब भी प्लांट और इक्विपमेंट यूज करते हैं तो ये सब कॉस्ट लगाते हैं. वाइल सम ऑफ द प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स कैन बी ऑन बाय द कंपनी डायरेक्टली अदर प्लांट्स में बी रेंटेड फ्रॉम और एजेंसीज. वाइल सम ऑफ द प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स कैन बी ऑन बाय द कंपनी डायरेक्टली. कई बार क्या होता है कंपनी है वो खुद का प्लांट्स और इक्विपमेंट परचेस कर लेता है. अदर प्लांट्स में भी रेंटेड फ्रॉम द एजेंसी. और कई बार क्या होता है जो भी प्लांट्स है और जो भी इक्विपमेंट्स है वो कई बार कोई भी प्रोजेक्ट करना है तो वो रेंट पे भी मिल सकता है. For each of the plant and equipment, the company is maintained an asset code. Plant and that means उसके लिए भी एक asset code बनवाया है. Plant and equipment cost statement is prepared for each of these asset code act codes. Okay, higher charges, operating charges वो सब अंदर गिना जाता है. These costs are plugged back to the relevant cost codes of the activities for which the assets or equipments have to be utilized. This costs are plugged back to the relevant cost codes, okay, of activities for which the assets have to be utilized. The operator costs are collected from the labor cost details. Operator cost ka jo bhi hai are collected from the labor cost detail hai uspe se hum operator cost ka ऑपरेटर कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं. देन सब कॉडी सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट. सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वर्क ऑर्डर इश्यूज टू द सब कॉन्ट्रैक्टर एंड द पीरियोडिक मेजरमेंट बिल्स. तो सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट कैसे डिसाइड होता है? तो इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द वर्क जो भी उसके लिए इश्यू होता है वो जो भी और पीरियोडिक मेजरमेंट्स जो भी उसने वर्क किया है उसका पीरियोडिक मेजरमेंट बिल है उस पर से उसका कॉस्ट डिसाइड होता है. रिलेवेंट कॉस्ट कोड शुड बी मेंशन अगेन इन ईच आइटम ऑफ द वर्क इन सब कॉन्ट्रैक्टर बिल्स. इश्यूज ऑफ द मटेरियल बाय द मेन कॉन्ट्रैक्टर टू सब कॉन्ट्रैक्टर इज डन ऑन द चार्जेबल बेसिस एंड इज कंपाइल्ड अंडर ए सेपरेट कॉस्ट कोड. इश्यू ऑफ द मटेरियल बाय द मेन कॉन्ट्रैक्टर ओके टू द सब कॉन्ट्रैक्टर इज डन ऑन अ चेंजेबल
changeable basis and is compiled under a separate cost code. जो भी मटेरियल्स का इश्यू बाय द मेन कॉन्ट्रैक्टर, जब भी वो मटेरियल इश्यू करता है टू द सब कॉन्ट्रैक्टर, ओके, द इश्यू ऑफ द मटेरियल्स बाय द मेन कॉन्ट्रैक्टर टू सब कॉन्ट्रैक्टर इज डन ऑन ए चार्जेबल बेसिस एंड इज कंपाइल्ड अंडर सेपरेट कॉस्ट कोड, अंडर सेपरेट कॉस्ट कोड अंडर काउंट होता है. ओके, दैट मीन्स सेपरेट कॉस्ट कोड उसके लिए होता है जिसमें मेन कॉन्ट्रैक्टर टू सब कॉन्ट्रैक्टर जो भी मटेरियल इश्यू होता है इज डन ऑन अ चार्जेबल बेसिस. उसका भी चार्ज होता है कि मेन कॉन्ट्रैक्टर के पास से सब कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएगा तो उसका चार्जेस होता है और उसके लिए सेपरेट कॉस्ट कोड प्रिपेयर किया होता है. ओवरहेड कॉस्ट, द ओवरहेड कॉस्ट कैन बी डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द लेजर्स. All the general overhead costs need to be allocated to all the projects being undertaken by the company is the proportion to the contract value of the project. The expenses related to the staff that can be directly identified to specific project all be taken to the respective project. The expenses related to the staff, okay, that means जो भी हमें स्टाफ को सैलरी देना पड़ता है, एक्सपेंसेस देना पड़ता है, दैट कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड टू द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ऑल बी टेकन टू द रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट. दैट मीन्स उसको कितना देना है तो ओवरहेड कॉस्ट में गिना जाता है. द कॉमन स्टाफ एक्सपेंसेस एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड टू ऑल द प्रोजेक्ट बीइंग अंडरटेकन बाय द कंपनी इन प्रोपोर्शन टू द इनवॉइसिंग ऑफ द कैच ऑफ द प्रोजेक्ट. Thank you.